इतने सालों में हम मुश्किल से एक दो बार मिले और अचानक से इतना मिलना, किसी को भी शक हो सकता है हम पर। मुझे उनके शक की चिंता है पर अपने बेटे के हक की नहीं। अर्पिता, शुभम को तेरी जरूरत है। है तो शुभम भी उस घर का बेटा। भैया, मेरा एक ही बेटा है और वो है कार्तिक। उसे जितनी मेरी जरूरत है उतनी किसी को भी नहीं है। ये तो तूने तब भी कहा था ना अर्पिता, जब छोटे से शुभम को तूने मेरे हवाले किया था। हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था मैंने, और आज भी उसी बात पे कायम हूँ मैं। सोम्या दीदी के चले जाने के बाद वो और कीर्ति अकेले पड़ गए थे, उन्हें माँ की जरूरत थी और उससे भी ज्यादा उन्हें अपने पापा की जरूरत थी। मैं उनका प्यार बढ़ते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक कदम उठाया और आज तो मेरी हर संभव कोशिश यही रहेगी कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। एक बार तो शुभम के लिए सोच, वो बच्चा बिना वजह इतनी बड़ी कीमत चुका रहा है। उसकी तरफ से भी सोचो तो भी यही ठीक लगता है कि भैया कि मैं उससे ना ही मिलूं तो अच्छा होगा, वरना पता नहीं अपनी क्या हो जाएगा। या तो वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगा या मुझसे वो ये उम्मीद करेगा कि मैं उसे उसका हक दिलवाऊं, जबकि मैं मजबूर हूं भैया, मैं उसे कुछ नहीं दे सकती, यहाँ तक कि उसके पापा का नाम भी नहीं। शुभम को तूने जन्म दिया है। मैंने जन्म दिया है उसे, लेकिन आज तक कोई रिश्ता नहीं रखा उसके साथ। वो आपका बेटा है और यही बात सच है। भैया, वैसे भी हम दोनों के बीच में तय हुआ था इस राज को हमेशा राज रखेंगे, और अगर ये बात किसी को भी पता चली तो कहीं ना कहीं इसके बाद कार्तिक तक पहुंच जाएगी और मेरी बेटी को बहुत दुख होगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ किसी की मत में नहीं। इसका मतलब तो शुभम के लिए कुछ नहीं करेगी। करूंगी ना, जो आज तक करती आई हूं वही आगे भी करूंगी। मतलब तू आ, भगवान करे उसके ऊपर से सारी मुसीबतें हट जाए और आप उसे गांव लेकर चले जाए। तुझसे मिले बिना अर्पिता कभी सोचा है कि किसी भीड़ भाड़ में अगर वो तुझसे टकरा भी गया ना तो तेरी आंखें भले ही उसे पहचान ना पाए पर तेरा दिल धड़केगा, तब तुझे पता नहीं चलेगा कि ये तेरे साथ क्यों हो रहा है और फिर तड़पेगी तू। इसीलिए मैं कह रहा हूं अर्पिता, सिर्फ एक बार, दूर से ही सही एक बार उसे देख ले। कोई बात नहीं भैया, जहां इतने साल निकाल दिए वहां कुछ और साल से, और रही बात माँ के दिल की तसल्ली की तो वो कार्तिक को देख कर हो जाती है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। कर सकता मैं अंदर जाके देखता हूं, अगर कुछ हो सकता है तो।
सबको फोन करो ना अखिल, वहाँ पे सब कुछ ठीक तो होगा ना। किया था मैंने, उन्होंने काट दिया फोन। कार्तिक किट्टू, तुम नायरा के साथ कहाँ से आ रहे हो? तुम तो मनीष के साथ पुलिस स्टेशन गए थे ना। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हुआ हो। क्या हुआ कार्तिक, कोई बात हुई पुलिस स्टेशन में? हाँ चाचू, वो मुझसे रहा नहीं गया वहां तो। मैंने पहले ही कहा था भाई साहब से कि तुम्हें ना लेके जाए, पुलिस वालों के उल्टे सीधे सवाल इरिटेट कर देते हैं, स्पेशली तब जब आपको पता हो कि गलती किसी और की है। अच्छा हुआ नायरा तुम कार्तिक को लेके आ गई, इसे कमरे में लेके जाओ और इसे आराम करने दो। हाँ बेटा जाओ तुम, वहां का सब मनीष संभाल लेगा। जरूरत पड़ी तो मैं भी चला जाऊंगा। दीदी भी आ गई, शायद इनकी कोई बात हुई हो भाई साहब से। आप इतनी रोई रोई से क्यों लग रही हो? नहीं तो मेरे ख्याल से बाहर बहुत धूप है ना, शायद इसलिए। झूठ मत बोलो दी, मुझे सब पता है। इसके पहले भी आप वो मंदिर वाले अनाथ आश्रम गई थी ना, और वहां उन बच्चों को देखकर आप इमोशनल हो गई थी, अभी भी आप वहीं से आ रही हैं क्या? ओ गॉड दीदी, प्लीज आप वहां मत जाया करो, कितनी बार मना किया है, मेरा खुद का मन खराब हो जाता है ये सोच के कि कितनी मजबूर होती होंगी वो माएं जिन्हें इस तरह अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है। बड़ी हिम्मत का काम है सच में। आज का तो दिन ही बुरा है, जिसे देखो वो बस अपसेट हुए जा रहा है। कार्तिक के मन में क्या चल रहा है कुछ पता भी नहीं रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।